हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एसएससी वर्ल्ड कप 2019 के विजेता इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताएंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप सभी को पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, एसएससी वर्ल्ड कप 2019 में टोटल 10 देशों ने भाग लिया है और यह मैच का आयोजन यानी यह मैच 2019 में कब से कब तक चला इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। यानी यह मैच 30 मई से शुरू होकर 14 जुलाई तक इसका मैच चला है। यानी 14 जुलाई को फाइनल मैच खेला गया और यह लॉर्ड्स यानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इसका फाइनल मैच खेला गया और फाइनल मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला देखने को मिला और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि 100 ओवर के मैच में भी मैच का निर्णय नहीं हो सका और सुपर ओवर के मैच में भी मैच का निर्णय नहीं निकल सका। यानी मैच ट्राई रहा और मैच का निर्णय जिस टीम ने अधिक बाउंड्री लगाई है उसके आधार पर मैच का निर्णय निकाला गया। यानी इंग्लैंड सबसे अधिक बाउंड्री लगाई थी इसलिए इंग्लैंड का जीत दिया गया। यानी इंग्लैंड पहली बार एसएससी वर्ल्ड कप का खिताब जीता है और आप सभी को पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट का जन्म जाता माना जाता है। यानी क्रिकेट का स्टार्ट जो किया है वह इंग्लैंड ही है और पहली बार इंग्लैंड आईसीसी वर्ल्ड कप यानी 50 ओवर के मैच में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का खिताब इंग्लैंड जीता है। यानी पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच कब खेला गया तो 1975 में यह मैच इंग्लैंड में ही खेला गया और इस मैच में विजय की बात करें यानी इस मैच में जीत वेस्टइंडीज की हुई थी और उप विजेता इस मैच में ऑस्ट्रेलिया रहा था। उसके बाद नेक्स्ट 2019 क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ है तो 2019 विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया है और 2023 का विश्व कप मैच भारत में खेला जाएगा, इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। यानी 2023 में भारत में मैच खेला जाएगा विश्व कप और 2019 का क्रिकेट विश्व कप किस तकनीकी से हुआ है तो राउंड रोबिन विधि से हुआ है। यानी इसका कहने का सेंस यह है कि एक टीम प्रत्येक दूसरे टीम के साथ खेलेगी, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि प्रत्येक टीम अलग अलग टीम के साथ यानी टोटल 10 टीम अलग अलग टीम के साथ मैच खेली है उसे ही राउंड रोबिन कहा जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। यानी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो 2014 में प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या है, और आप सभी को बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड कप में अभी तक सबसे अधिक रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ही हैं और इनका आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे है जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कौन सी संस्था करती है तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करती है और इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इसका स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई है और आप लोग अधिक जानकारी देख सकते हैं। इसका मुख्यालय, सदस्यता, चेयरमैन, अध्यक्ष और सीईओ कौन है इसकी भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। यानी चेयरमैन शशांक मनोहर हैं और सीईओ मनु साहनी हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन रहा है तो दोस्तों, इस मैच में बेन स्टोक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसीलिए इस मैच में बेन स्टोक को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है। यानी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ द मैच का खिताब बेन स्टोक को दिया गया है और इससे पहले जो भारत आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में जो जीती थी वह उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब महेंद्र सिंह धोनी को मिला था। उसके बाद यह जो मैच आईसीसी वर्ल्ड कप का 2019 में जो हुआ है वह 12वीं प्रतियोगिता थी। यानी 12वीं प्रतियोगिता आईसीसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड पहली बार मैच जीता है और इंग्लैंड क्रिकेट का जन्म दाता माना जाता है और पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड ने जीता है, वो भी लक के आधार पर। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 मैन ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को दिया गया है, जो इस मैच यानी इस आईसीसी वर्ल्ड कप में 2019 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के आधार पर ही उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है।